उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ावदा से शनिवार को लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 2 जुलाई को सुबह जब बच्ची की दादी मंदिर गई थी और दादा घर से बाहर दुकान गए थे, उसी समय ग्राम खेड़ावदा निवासी ही परिचित व्यक्ति घर में घुसा और उसने बच्ची के साथ हाथापाई की और दुष्कृत्य का प्रयास किया। बच्ची द्वारा विरोध करने पर कपड़े से उसका गला घोटा और उसकी हत्या कर दी। लाश को घर की ऊपरी मंजिल पर सोयाबीन से भरे बोरों के बीच में छुपा दिया और घर की छत से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि बच्ची के नाना के घर के आसपास लोगों से पूछताछ की तो उसमें पता चला था कि घटना के समय सुबह के वक्त गांव के ही एक व्यक्ति को घर के आसपास घूमते हुए देखा गया था। ये 2 तारीख का घटनाक्रम आप लोगों के संज्ञान में है। भाटपचलान थाने के खेड़ावदा गांव में एक नाबालिग बालिका के घूमने की सूचना उनके परिजनों द्वारा कराई गई थी और उसकी जब तलाश प्रारंभ की गई तो परिजनों को ही वो लड़की अपने ही घर में एक कमरे में सोयाबीन की बोरी के पीछे उसकी लाश मिली थी। घटना की जिस अवस्था में लाश मिली थी स्पष्ट था कि उसके साथ सेक्सुअल असल्ट और मर्डर की संभावना बन रही है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, एसडीओपी पुष्पा प्रजापत, टीआई संजय वर्मा की टीमों ने अपने इसमें काम करना शुरू किया। रात में ही एफएसएल की हमारी टीम ने उसमें जाकर जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसको एकत्र किया, जिसमें डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ इसके इंचार्ज थी। इसके अलावा हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो साइबर की टीम है, उसको भी हमने इस पूरे काम में लगाया था। सब इंस्पेक्टर प्रतीक यादव और बाकी थाने के जो सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र चौधरी, इन लोगों ने रात में ही काम करना शुरू कर दिया था। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ये चीज़ स्पष्ट थी कि घटना 9 बजे से लेकर 9:27 के बीच की घटना है। इस दौरान कौन व्यक्ति उस घटना वहाँ आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया, जिनकी संख्या लगभग 5 से 6 व्यक्ति। जो एग्जिट रूट था, एग्जिट रूट से स्पष्ट है कि 13 से 14 फीट उसने छलांग लगाई थी, तो उसमें चोट की भी संभावना थी। इस आधार पर जब हमारा ये मुख्य आरोपी जो आरोपी है, इस आरोपी से जब पूछताछ हुई है तो इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया। ये उनसे पूर्व परिचित रहा है और ये जो इसके नाना है, इनके यहाँ मजदूरी का भी उसने काम किया था, अभी भी वो किसी काम के लिए मजदूरी किया था। घटना दिनांक को उसने 7:30 बजे जाके चाय की दुकान में बैठ गया और चाय की दुकान में और इनका इंतजार करता रहा। जब घर सूना पाया तो ये घर में घुसा और इसी दौरान वो बालिका जो है सामने आ गई और लड़के भागी और इसके बाद इसने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लेके गया और उसका गला दबाकर उसके साथ घटना कार्य किया। सर, इसको सीसीटीवी से भी कुछ सुराग मिला? 9 बजे से लेकर 9:27 अगर स्पेसिफिक में इतना बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ हमारी तकनीकी साक्षी यही है।